ओम शांति। स्वागत है आप सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोशिश से ऐसा करो जो भी चीजें आप सीखते जा रहे हो उसको साथ साथ ही प्रैक्टिस करो। पता है, मैं आपको एक आज अपना एक अनुभव सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया ये चीज है। थैंक्स टू गॉड कि मेरे को एक चीज शुरू से ये रहा है कि यदि मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ तो मुझे काफी हद तक मैं उसको रिमेम्बर कर पाता। लोग सोचते हैं कि मेरी मेमोरी अच्छी है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मेमोरी किस सबकी अच्छी है आपकी? यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है इसकी मेमोरी अच्छी ना हो? कोई बैठा है आप में से? हाथ उठाओ जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है। हाथ उठाओ जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, जो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? अब जब मैं बोलूंगा ना तो आज का जिंदगी भर हाथ नहीं उठाओगे कभी कि मेरी मेमोरी कमजोर है। मैं ना आपके सारे बहाने जलवा दूंगा, जितने बहाने बनाते हो ना कोई बहाना नहीं बचेगा जिंदगी में बनाने के लिए। इस दुनिया में किसी की भी मेमोरी कमजोर नहीं, जब तक कि अल्जाइमर रोग ना हो जाए। मतलब किसी को अल्जाइमर ही हो गया हो तो एक बात एक अलग है, वरना किसी की मेमोरी कमजोर नहीं होती है। पता है कैसे? मैं आपको भी बताता हूं। आप खुद सोचो, अगर आपको ये पूछा जाए आपके जिंदगी, जैसे मतलब कोई 70 साल का भी है, उससे उसके शादी के सारे वाक्य पूछे जाए, कौन कौन रिश्तेदार उसकी शादी में आए थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी, है ना, क्या क्या अरेंजमेंट्स हुए थे, तो उसे आज तक भी याद है। क्यों? एक साल पहले कोई बात हुई होगी, किसी ने खराब बोल दिया होगा, वो खराब बात पॉइंट वाइज पॉइंट याद होगी और उसको भी याद दिलाएंगे तुमने उस सिचुएशन में इस समय पर ऐसे बोला था। करते हैं हाँ या ना? हाथ लाओ। तो मतलब वो बात पॉइंट वाइज पॉइंट कैसे याद है, और कल कुछ अच्छी बात सुनी होगी वो डोंट केयर, वो पॉइंट बाय पॉइंट याद रहेंगे, उसे बोलेंगे भूल जाते हैं, माइंड ना काम नहीं करता। हाँ, ये बोला करो, हमारा माइंड अच्छी बातों के लिए काम नहीं करता, बुरी बातों के लिए तैयार है। तो सारा सारा किस बात पे डिपेंड कर रहा है हमारा? इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? हमारा बुरी बातों में इंटरेस्ट होता है, हम टची होते हैं। जिन जिन बातों के लिए आप टची होते हो ना, वे ही आपकी मेमोरी में टिक जाती है। लिख लो इस स्टेटमेंट, जिस बात के बारे में आप टची होंगे, जिस बात के बारे में आप कोई पसंदी या नापसंदी, दो ही चीजें टिकती हैं माइंड के अंदर, या तो बहुत पसंद हो कोई बात, या तो बिल्कुल नापसंद हो कोई बात। और जो बात टिकती नहीं है वे ही नहीं टिकती है जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमें इंटरेस्ट बनाना पड़ रहा होता है। एक बात। दूसरी बात, जितनी भी काम की बातें होती हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ाने वाली बातें होती हैं, उनको मेमोरी में टिकाने के लिए क्या करना पड़ता है? शेयर करना पड़ता है। लिख लो आप इस बात, जब भी आप कुछ अच्छा सुनो शेयर इमीडिएटली, किसी ना किसी को बताओ। मुझे क्यों बहुत किताबें याद रहती हैं, मेरे से लोग ये बोलते हैं आपको कैसे किताब ऐसे याद रह जाती है, कैसे आपको वो स्टेटमेंट याद रह जाते हैं, कैसे इतना सब याद रह जाता है, आप कहां से? वो इसलिए याद रह जाता है क्योंकि मैं हमेशा, अगर मैंने अभी भी कुछ अच्छा पढ़ लिया तो मैं उसे इमीडिएटली 10-20 से तो शेयर कर ही दूंगा। फोन पे जो बात करेगा उसको भी किसी फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, खुद को शेयर कर दूंगा, कहीं ना कहीं किसी को सुना दूंगा, किसी क्लास में सुना दूंगा, किसी बातचीत में सुना दूंगा, किसी को काउंसलिंग। मेरा मकसद ये रहता है, चाहे ये नहीं कि मैं अभी सेशंस कर रहा हूं, मैं शुरू से ही ऐसा हूं। इवन देन अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा होता था, मैंने कोई चीज मेरे को चैप्टर अच्छे से आ गया, तो मैं 2-4 बच्चों को जाके तो पढ़ाई दूंगा स्कूल में बैठ करके उनको, ताकि मेरा पक्का हो जाए। तेरे को पढ़ा दिया तेरा भी भला, तेरा भला जितना होगा होगा, नहीं होगा मुझे नहीं मतलब है, पर मेरा भला हो जाएगा तेरे को पढ़ाने के चक्कर। और आप हमेशा इस बात को लर्न कर लो, लिख लो। अगर आप जो सीखते हो वो जल्दी से सिखा देते हो तो आपको डबल दुआएं मिल जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जो आज मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात से मैं शुरू करूंगा आज। सबसे पहले गॉड को समझने के लिए पहले मुझे सोल को और मैटर को समझना पड़ेगा।
भगवान को वो व्यक्ति सही से समझ सकता है। ये पूरा जो कम्युनिकेशन है, मैं आप याद करो मैंने बहुत पहले एक स्लाइड आपको समझाया था, मैं दोबारा नहीं जाना चाहता उसके ऊपर लेकर के, मैंने एक स्लाइड समझाया था आपको बहुत पहले करके बताया था, जिसमें मैंने मैटर की बात भी करी थी, नॉन लिविंग मैटर की बात भी करी थी, लिविंग चीजों की बात करी थी, सोल की बात करी थी, माइंड की बात करी थी, सेंसेस की बात करी थी, टाइम ट्रेवल की बात करी थी। ये सारी बातें हो चुकी है पीछे, तो मैं दोबारा उनको रिवाइज नहीं करूंगा, जिनको सुनना है पीछे उन चैप्टर जाके सुन सकते हैं। बट करंटली जो आज मैं बात करने वाला हूं, गॉड को समझने के लिए मुझे तीन बातों को समझना पड़ेगा बड़ी गहराई से, यदि मैं सचमुच में गॉड को समझना चाहता हूं। क्या गॉड क्या चीज है, सोल क्या चीज है, और मैटर क्या चीज है, तीन बातें समझनी पड़ेंगी। पहले लिख लो आप अपने पास में, गॉड, सोल एंड मैटर, ये तीन चीजों का बड़ा गहरा रिश्ता है, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है, और इन तीनों के साथ में एक और चीज का रिश्ता है जिसका नाम है टाइम। ये तीनों के तीनों का एक रिश्ता किसके साथ बनता है, समय के साथ। ये लिख ले चाहिए कम्युनिकेशन, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। और इन चारों का रिश्ता, जैसे मैटर की जब बात आ जाएगी तो मैटर के साथ आपका जुड़ जाएगा लॉ ऑफ फिजिक्स। जितना भी मैटर है, जितना भी मैटर है उस पर फिजिक्स के नियम लागू होते हैं, है ना, फिजिकल दुनिया के नियम लागू होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबके नियम लागू होते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब हीट के लॉज हो गए, मैग्नेटिज्म के लॉ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के लॉ हो गए, लाइट के लॉ हो गए, वेव के लॉ हो गए, ग्रेविटेशन पुल के लॉ हो गए, मतलब मैं आपको साइंटिफिक भाषा में भी समझा रहा हूँ, उस पर फिजिक्स के सारे नियम लागू होते हैं। केमिकल फॉर्मेशन के नियम लागू होते हैं, आपकी जो बॉडी है वो बहुत सारे केमिकल फॉर्मेशन से बनी है, हाँ या ना, सारी बॉडी एक केमिकल से भरी पड़ी है पूरी पूरी बॉडी, क्योंकि वाटर भी अपने आप में केमिकल होता है, आपका फूड भी अपने आप में केमिकल होता है, हर चीज एक केमिकल कंपोजिशन है तुरंत। सो इन सब बातों को समझने के लिए मैंने इसके ऊपर चिंतन किया आज ही। आज मैं वैसे बात कर रहा था बाबा से कि बाबा मेरे को एक चीज आप बताइए कि मैं बेसिकली अगर दोनों मैटर्स को मैं क्लियर करना चाहूं तो मुझे क्या चीज समझानी पड़ेगी। तो बड़ी ही ब्यूटीफुल मुझे आज एक और कनेक्टिविटी आई, आज का लेटेस्ट है, इसलिए मैं इसी से शुरू किया है हर चीज को। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, दुनिया में भी एनर्जीज हैं, सारी एनर्जीज हैं, और आप मुझे बताइए जितने भी साइंटिस्ट बात करते हैं वो कौन सी एनर्जीज की बात करते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जीज की बात करते हैं या मेटाफिजिक्स की एनर्जीज की बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड की, मेटा कौन कह रहा है मेटा की बात करते हैं, मेटा का तो उनको पता ही नहीं है तो बात कहां से करेंगे, इसकी बात करते हैं वो फिजिकल एनर्जीज की बात करते हैं, जितनी भी एनर्जी है ना वो फिजिकल एनर्जीज बेसिकली जिनके बारे में बात करते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा सा एक अलग एंगल से बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, बड़े ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। आप मुझे बताइए जितनी भी एनर्जीज अवेलेबल है जिनकी स्टडीज हमने करी है या जिनके बारे में भी सुना है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, हम सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से पृथ्वी पर रहते हैं, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हमारे चारों तरफ है ना, एक चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, विद्युतीय एनर्जी, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है, लाइट वेव साउंड की एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज हमारे चारों तरफ है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इनमें से कोई भी एनर्जी किसी मुर्दे को जिंदा कर सकती है, समझिए बहुत गहरी चीज पे जाने वाला हूं मैं भी, इनमें से कोई भी एनर्जी किसी मुर्दे को जिंदा कर सकती है। आज मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल प्रूव करने वाला हूं। अगर ये एनर्जीज, अगर एनर्जी के बारे में दी गई डेफिनेशन जो साइंटिस्टों ने दी हैं, अगर ये एप्लीकेबल होती मेटाफिजिक्स की एनर्जीज के ऊपर, तो फिर तो इन एनर्जीज को किसी भी मुर्दा को जिंदा कर देना चाहिए था जिसके सारे ऑर्गन्स अभी परफेक्ट हो। जैसे कोई बच्चा अगर शरीर छोड़ देता है, कोई 30 साल का व्यक्ति, कोई 25 साल का व्यक्ति जिसके सारे सेंस ऑर्गन्स भी परफेक्ट थे, सारी चीजें परफेक्ट थी, पर उसने बॉडी लेफ्ट कर दी। अब बॉडी लेफ्ट कर दी तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक शॉक्स दे करके, मैग्नेटिक थेरेपीज करके, कुछ भी करने के बाद उसमें एनर्जी डाल देते, जिंदा कर देते उसको। इज इट पॉसिबल, कोई कर पाया आज तक, कोई साइंटिस्ट इस बात की गारंटी ले सकता है कि लाइव कर सकता है किसी भी डेड बॉडी को करके? नॉट पॉसिबल। इसी से ये बात क्लियर हो जाती है कि दुनिया की कोई भी मैटर की एनर्जी या मेटलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी है उनमें किसी में भी ताकत नहीं है किसी को भी लाइफ देने की, लाइफ देने की। इसी से सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि लिविंग एनर्जीज आर डिफरेंट एंड नॉन लिविंग एनर्जीज आर डिफरेंट। अब लिविंग एनर्जीज के भी दो पार्ट हैं। एक लिविंग एनर्जीज होती है जो विद इमोशंस होती है, एक लिविंग एनर्जी होती है जो विदाउट इमोशंस होती है, जिसके बेस पर आप प्लांट के सिद्धांत को समझ सकते हो।
जो आपका बॉटनी का सिद्धांत है, क्योंकि प्लांट को भी हम क्या मान के चलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है उनको भी। बट क्या उनमें इमोशंस होते हैं? कैन दे थिंक? कैन दे डिसाइड? हेलो, हाँ या ना, कुछ बोलो, पॉसिबल है? अपने आप वीडियोस ऑन करके उसमें हाँ या ना कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। मैं बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आपने समझ लिया ना, आप जिंदगी का कंफ्यूज नहीं होंगे, जो दुनिया में लोग गॉड के एग्जिस्टेंस को या सोल के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है। आप उनसे बोलो, अगर एवरीथिंग इज अ बॉडी एंड बॉडी सब कुछ कर सकती है और मैटर सब कुछ कर सकता है, जब एक बॉडी डेड हो जाती है और उसकी परिवार को जरूरत होती है, तो उस मैटर से जिंदा करके दिखाओ ना उस बॉडी को। इफ एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ अ मैटर, इफ एवरीथिंग इज कंट्रोल इन अ साइंटिस्ट, मतलब उसके साइंटिस्ट के हाथों में सब कुछ कंट्रोल में है, तो जब किसी घर का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, उसकी आवश्यकता उसके परिवार को होती है, तो जिंदा करवा दो ना उस मैटर से उसको। इज इट पॉसिबल? ये अंडरस्टैंड करना होगा मुझे। इसका मतलब साफ हो जाता है, सोल एंड सुप्रीम सोल दो ऐसी एनर्जीज हैं जिनके ऊपर दुनिया की किसी भी एनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं चलता है, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चलता है। बॉडी को लाइफ देने के लिए इस दुनिया की कोई भी एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। नो एनर्जी कैन वर्क टू गिव लाइफ टू द बॉडी। कौन सी एनर्जी काम कर सकती है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड की एनर्जी, जिसका नाम है सोल, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, जीव कहते हैं। और इसीलिए उसके बारे में इस फिजिकल वर्ल्ड के सिद्धांतों को बुद्धि में रखने वाले लोग समझ नहीं सकते, बिकॉज दे कैन थिंक अबाउट ओनली द फिजिकल लॉज। वो केवल फिजिकल लॉज के विषय में सोच सकते हैं, फिजिकल एनर्जी के विषय में सोच सकते हैं, बट किसी से भी पूछ के देखना, क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप बताइए, जिन्होंने भी लिखा है, सुरेखा बहन बताओ, क्या इलेक्ट्रिक शॉक से किसी की लाइफ वापस आ सकती है? आप अगर ऐसा कह रही हैं कि लाइफ वापस आ सकती है, तो सारे मुर्दों को इलेक्ट्रिक शॉक पे लेके आओ। मैंने देखा नहीं, सिर्फ मूवी में। हाँ, मूवी में नहीं, वो शॉक उसको दिया जाता है जो कोमा में चला जाता है। सोल वही प्रेजेंट, सोल नहीं गई है। Okay. उसके ऑर्गन्स डेड होने शुरू हुए हैं, उसके ऑर्गन्स में एनर्जी फ्लो होनी कम हो गई है, दैट्स व्हाई वो शॉक से उस एनर्जी का फ्लो किया जाता है, सर्कुलेशन से रुक गया है एनर्जी का, जिससे कि उसमें लाइफ है। क्योंकि जब व्यक्ति की डेथ होती है, सो डेथ के केस में होता क्या है, धीरे धीरे सारे ऑर्गन से एनर्जी पहले सेंटर्ड होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्योंकि सोल का मतलब याद रखिए, सोल को भले ये रिमेम्बरेंस के लिए कि सोल यहां पर है, बाकी अदरवाइज सोल एक कॉन्शियसनेस है जो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है, पूरी बॉडी में है वो, हर अंग में ताकत सोल की है, बट उसको एक रिमेम्बरिंग पॉइंट बनाने की वजह से उसको एक पॉइंट दिया गया। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली इस चीज को लेकर। जैसे खाना आपका पेट में पसता, लेकिन उस खाने की ऊर्जा पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। हर चीज का एक सेंटर पॉइंट है, बट उसकी ट्रेवलिंग, उसकी जो एनर्जी है, जो उसका प्रोडक्शन है, वो होल बॉडी में सर्वाइवल है। So that's why होता क्या कि उस केस में उसके ऑर्गन्स में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बस क्या चीज करते हैं, उसका जो कम्युनिकेशन टूट रहा है ऑर्गन्स के साथ में, वो उसको बस कर सकते हैं यदि लाइफ बाकी है तो। Okay. यदि लाइफ बाकी है तो। और याद रखना, किसी की भी मृत्यु बीमारियों से नहीं होती है, उसका टाइम पूरा होने से होती है। हमारी लाइफ की एक ही डेफिनेशन, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। हर किसी को एक टाइम मिला है, पर्टिकुलर टाइम मिला है, इसलिए काल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बहुत गहरी बात आप सबको समझनी होगी गॉड को समझने के लिए, टाइम इज नॉट लीनियर, टाइम इज सर्कुलर। टाइम लीनियर नहीं है। टाइम अगर लीनियर होता तो कभी दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही नहीं। दिन होता तो दिन ही चलता रहता, रात होती तो रात ही चलती रहती। अगर वो रात और दिन बार बार रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम इज नॉट लीनियर, बट टाइम इज सर्कुलर। टाइम इज सर्कुलर, टाइम इज साइकिल, इट्स अ साइकिल। हर चीज की साइकिल है, इसलिए जन्म और मृत्यु की साइकिल है। आप बचपन में पैदा होंगे, फिर आप बड़े होंगे, फिर आप बुढ़ापे में जाएंगे, फिर आपकी मृत्यु होगी और फिर से बच्चा बनेंगे। साइकिल है, सर्कुलर है। लीनियर होता तो कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, लीनियर है, एक ही दिशा में है बस चीजों को लेकर। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल, हर चीज साइकिल है, हर चीज की साइकिल है। प्लांट की साइकिल है, वो बीज से शुरू होगा, फल तक जाएगा, फिर बीज बनेगा, फिर फल तक जाएगा, साइकिल है। So time is not linear, time is circular. इस सिद्धांत से आपको पता चलेगा कि सब चीज साइकिल में है। Everything is in cycle. दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और वो फिक्स्ड है।
आप कभी 24 घंटे के 26 घंटे करके बताओ, किसी के लिए करके बताओ, अमीर ले आओ गरीब ले आओ, कोई गरीब ऐसा नहीं 23 घंटे हो गए, कोई अमीर ऐसा नहीं 26 घंटे हो गए, सर्कुलर है, वही रहने वाला है। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है सबको, है ना? सीजन सबकी सबकी साइकिल है, जो भी चीज समय से कंबाइंड है उसकी एक साइकिल है, और साइकिल फिक्स्ड है। साइकिल कैसी है उसकी, वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, उसे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो किसी फॉर्म में लेके। तो हम सभी की जो मृत्यु, किसी की भी मृत्यु बीमारियों से नहीं होती है, अगर बीमारियों से मृत्यु होती तो कोई व्यक्ति दो दो साल तक कोमा में ना पड़ा रहता, वो कार्मिक सिद्धांत के बेस पर है। दूसरा, गॉड की पावर्स के विषय में एक गलत अवधारणा है, लोग मानते हैं भगवान वो है जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, या जिंदे को जो मार दे, जो ऐसे इंपॉसिबल टास्क कर दे। सॉरी, गलतफहमी आपकी, लिख लो आप, गॉड कभी भी सोल और मैटर में इंटरवेंशन नहीं करता है, क्योंकि अगर गॉड ये काम करेगा तो वो कभी किसी को ये नहीं सिखा पाएगा कि दूसरों की लाइफ में आप इंटरवेंशन ना करें, वो कभी नहीं सिखा पाएगा कर्म सिद्धांत में इंटरवेंशन ना करें। जज केवल सुनने का काम करता है, वो ना पक्ष के रूप में होता है ना विपक्ष के में, जज सिर्फ जज होता है, पक्ष और विपक्ष अपना पक्ष और विपक्ष रखते रहते हैं, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो गॉड ऐसे काम नहीं करता है, गॉड को हम कहते हैं सोल का क्रिएटर, सॉरी वो सोल का क्रिएटर नहीं है, वो सोल के पार्ट में क्या क्रिएटिव चेंजेस करने हैं उसका क्रिएटर है, ही इज अ क्रिएटिव क्रिएटर, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, लिख लो इस स्टेटमेंट को, ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, ही इज अ क्रिएटिव क्रिएटर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी बिंदु, क्या पूछना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता ऐसे करके, मैं जबरदस्ती आपको ले जाऊं। हाँ भाई जी, ओम शांति। भाई जी, मुझे आपने ये बताया ना कि सोल के पार्ट में क्रिएटिविटी करते हैं, उसमें थोड़ा सा और बता दीजिए। सोल इज अ क्रिएटिव क्रिएटर का मतलब समझो आप, जब सोल में हिम्मत नहीं रह जाती है कि वो विकारी बन जाती है, विकारी से निर्विकारी बनने की, तो गॉड क्या करता है, ज्ञान को कितने क्रिएटिव वे में देता है। आज आप जितना सुन पा रहे हो ये ज्ञान, ये किसने दिया? पापा ने, है ना? ये परमात्मा ज्ञान है, उसने ऐसे क्रिएटिव वे में ज्ञान दिया जो हर सोल उसको अंडरस्टैंड कर पा रही है, और ये विश्वास ले पा रही है कि यस दे कैन चेंज, वे बदल सकते हैं, हो पा रही है, इसे कहते हैं क्रिएटिव क्रिएशन। सो वो देखिए, अब मैं आपको और थोड़ा समझाता हूं, अ राइट क्रिएटर का काम क्या होता है, लीडरशिप प्रिंसिपल को फॉलो करना। लीडरशिप प्रिंसिपल क्या करता है, वो फाइंड करता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक और चीज को लेकर, जैसे मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति को बनाता है, हाँ या ना, पत्थर से बनाता है ना। लेकिन जब आप मूर्तिकार से जाके पूछोगे ना कि आपने मूर्ति कैसे बनाई है, तो कभी भी बात करना आप, है ना, जो पत्थर से मूर्ति बनाए, वो क्या बोलेगा, मूर्ति पहले से ही पत्थर में थी, मैंने सिर्फ वेस्ट निकाला है, I only remove the waste of this stone. पत्थर में पहले से थी मूर्ति तो, लेकिन वो मूर्ति दिख किसको रही है? जैसे जो आदमी अपने अपने पसंदा घर बनाता है, अपने ड्रीम घर, उसका ड्रीम तो उसके माइंड में है, इसलिए वो कई बार चेंज करता है, नहीं ये कलर ठीक नहीं, मेरे माइंड वाली भी चीज नहीं है, उसके माइंड में पिक्चर है, he or she have a picture in their mind. ऐसे ही चित्र का, जो पेंटिंग कर रहा होता है, हमें समझ नहीं आती वो पेंटिंग में कर क्या रहा है, उसके दिमाग में इमेज है कि वो क्या पेंट कर रहा है। Am I right or wrong? समझ आ रही है मेरी बात है सबको, है ना? In the same way, God is a creator. वो जानता है कि वो मेरे बारे में क्या क्रिएट कर रहा है, वो जानता है, वो जानता है कि वो मुझ में क्या क्या क्रिएट कर सकता है। एक बात लिख लो, बहुत ब्यूटीफुल बात है ये, गॉड हमें वैसा नहीं देखता जैसे हम हैं, अंडरस्टैंड करना वेरी बहुत केयरफुली, गॉड हमें वैसा नहीं देखते जैसे हम हैं, गॉड हमें वैसा देखते हैं जैसे हम बन सकते हैं, जैसे हम बन सकते हैं, व्हाट पोटेंशियल वी हैव। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को वो नहीं देखते जो वो है, एक्चुअली वो उसको वो देखते हैं जो वो बन सकता है। टीचर अपने स्टूडेंट को वो नहीं देखता जो वो है। आप बताओ, जब हम टीचर के पास जाते हैं हम रॉ होते हैं, वी ऑल आर रॉ, बट वो देखता है कि मैं क्या बन सकता हूं।
और अच्छा टीचर वही होता है जो ये देख पाए कि वो मुझे क्या बना सकता है. सो नेवर सी पीपल व्हाट दे आर बट सी देम व्हाट दे कैन बी. लोगों को वो मत देखो जो वे हैं, लोगों को वो देखना शुरू करो कि वे क्या बन सकते हैं. मैं हर माँ बाप को भी ये बात बोलूंगा, हर भाई बहन को ये बात बोलूंगा, अपने परिजनों को वो मत देखिए कि जो वो आपको दिखते हैं, बल्कि उनको वो देखना शुरू करिए कि वे क्या बन सकते हैं, वे क्या बन सकते हैं, तब आप उनको सही वे का ट्रीटमेंट दे पाएंगे. एम आई राइट और रॉन्ग? समझ आ रही मेरी बात? है ना? ना. सो मैं जो आपसे बात कर रहा था, सो गॉड सोल एंड मैटर, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, इनके वर्किंग स्टाइल को आपको समझना पड़ेगा. इन तीनों वर्किंग स्टाइल क्या है, ये क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं. आप सोचोगे ये सब पता, ये सब जानने की क्या जरूरत है हमें गॉड के बारे में. आप एक बार बताओ, अगर आपको यही पता नहीं होगा, सपोज करो आपको नहीं पता कि कपड़े जो है वो दर्जी सिलाई करता है और मिठाई जो है हलवाई बनाता है, आपको नहीं पता, तो फिर आप कपड़े सिलवाने हलवाई की दुकान पहुंच जाओगे और मिठाई लेने दर्जी की दुकान पर? होगा ऐसा? नहीं होगा. आप सोचो क्या जोक कर रहे हैं. मैं जोक नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बोल रहा हूं. हाँ, रियलिटी बोल रहा हूं. तभी हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, भगवान मेरे सारे काम कर सकता है, भगवान तो बस मुर्दे में भी जान डाल सकता है, ऐसे ऐसे थॉट बना दिए हमने. और दैट्स वाई हमारी क्या होती चली गई, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात, क्या हो चली गई इससे, एक्सपेक्टेशंस हाई होती चली गई. और जब एक्सपेक्टेशंस हाई होती चली गई, अब आप सोच कर देखो, आप जाके दर्जी से एक्सपेक्ट करने लगो कि वो आपको अच्छे अच्छे रसगुल्ले बना के खिलाए, क्या क्या इट इज अ राइट एक्सपेक्टेशन? और आप जाके हलवाई से एक्सपेक्ट करो कि मेरे बढ़िया सा सूट सिल दे, इज इट द राइट एक्सपेक्टेशन? यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब हमने गॉड के बारे में ये नहीं जाना कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उनकी बाउंड्रीज हैं. गॉड की भी अपनी बाउंड्रीज हैं. आप सोचोगे क्या गॉड की जो बाउंड्री है वो तो कुछ भी कर सकता है? डेफिनेटली वो कुछ भी कर सकता है, पर करेगा नहीं. जैसे जज की कुर्सी पर बैठा जज, उसके पस्ति कलम में इतनी ताकत है कि वो किसी का कुछ भी न्याय लिख सकता है, बट लिखेगा नहीं. वो सबूतों और गवाहों की विनय पर ही फैसला देगा. वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं देगा. इन द सेम वे गॉड इज बाउंड बाय वॉट, कर्मा फिलोसफी, कर्म सिद्धांत से बंधा है वो भी, कर्म सिद्धांत से. एक बात आप लिख लो, गॉड कुछ भी आपको देगा एक ही थ्योरी के अंतर्गत देगा, एक प्रिंसिपल के अंतर्गत, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसके प्रभाव क्या है, उसके अनुरूप ही वो जितना इंटरवेंशन कर सकता है वो उतना ही अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करेगा. जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई में, समझिए, उसने केवल ज्ञान दिया, अपना इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से नहीं किया. उसके लिए क्या, उसने क्या कह दिया, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, पर मैं पक्ष में धर्म के में रहूंगा. इसलिए दोनों को दिया, जिसको जो चाहिए था, दुर्योधन को अक्षौणी सेना चाहिए थी, उसको अक्षौणी सेना दे दी, वो उसको ले खुश था. अर्जुन को श्री कृष्ण चाहिए था, उसको वो दे दिया. इसलिए कोई भी दोष कृष्ण के ऊपर नहीं डाल सकता है कि तुम्हारी वजह से हमारी हार हुई है या जीत हुई है. समझिए इस बात को, दैट इज गॉड. गॉड मतलब जो गलती कर ही नहीं सकता. अंडरस्टैंड करो इस बात को बहुत केयरफुली. गॉड माना जो गलती कर ही सकता, गलत हो ही नहीं सकता जिससे, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. आपको मैं हजारों लाखों मेथड दे सकता हूं कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकता, इतना लिखा हुआ है मैंने, इतने रीजंस है मेरे पास, आई कैन प्रूव इट कि वो कभी भी किसी भी एक्सीडेंट, आपको लग रहा होगा कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तकदीर बहुत बुरा कर रही है, नहीं, एवरीथिंग कॉज एंड इफेक्ट, हर बात के पीछे कारण है. आपके ऊपर पड़ने वाला हर प्रभाव आपने ही पैदा किया है, यू जनरेट दैट. जो कुछ आपको मिल रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ आप कारण है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं. मेरी बात समझ आ रही है सबको? आया ना, हाथ हिला के बताओ, आ रही है? यस. तो
ये सबसे पहली हमें समझने की बात है। चलो थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से चलते हैं, कुछ बातों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जैसे पहले मैं इस पे लेकर के आता हूं, क्योंकि कल हमने कुछ बातों को समझा था, मुझे यह समझना पड़ेगा इन सब चीजों को भी। दिक्कत कहां पर पता पैदा हुई, जब हमने वैल्यूज को भी ना फिजिकल मानना शुरू कर दिया। जैसे क्वालिटी थी, पोर्शन ऑफ क्वालिटी की बात आती, हम ना एक तरफ कह रहे थे भगवान सब चीज का सागर है, गाने ही बनाए तू प्यार का सागर है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना, भगवान जिसका साथी है उसे क्या आंधी और तूफान रोकेगा, सब तरह गीत बनाए हमने, बट उनके मीनिंग कभी नहीं समझे हमने। हमने बहुत सारी सेइंग्स बनाई, हमने बहुत सारे शास्त्र बनाए, उनमें हाईएस्ट सिद्धांत दिए, हमने उसे कहा कि वो ओशन ऑफ हैप्पीनेस है, वो ओशन ऑफ पावर है, वो ओशन ऑफ लव है, वो ओशन ऑफ पीस है, लेकिन इस ओशन का मतलब नहीं समझ पाए हम कि अगर वो प्यार का सागर है तो आप ये बताओ। मैं आपको कुछ सिद्धांत समझाता हूं, जैसे एक गहरी चीज को लेकर के। कोई कोई सोचता है कि भगवान है ना मेरी बातों का जवाब नहीं देते, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं पर मुझे मेरी बात का आंसर नहीं मिलता। नहीं नहीं, आपको आंसर मिलता है बट आप ऐसा बोल, आप उसे उस आंसर को चाहते नहीं हो। एक्चुअली आप हर आंसर अपने पक्ष का सुनना चाहते हो। प्रॉब्लम ये, गॉड आंसर्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं बताता हूं कैसे, आपको एग्जांपल दूंगा, आप ही की दुनिया से एग्जांपल दूंगा। कैसे एग्जांपल दूंगा, माता पिता हैं हमारे, हमारे माता पिता बड़े होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा जीवन देखा होता है, चीजें होती हैं। अब कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास जाए और उसे जाकर के माँ बाप से कहे कि मेरे को ना 2000 रुपए दे दो, जाके बोले मेरे को 2000 रुपए दे दो। अब माँ बाप ने क्या पूछना है उससे, क्यों पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, पूछेंगे। अगर वो रीजन देता है फिर वो उस रीजन की वैलिडिटी चेक करेंगे कि वो वैलिड रीजन है या इनवैलिड है, या दे देंगे। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं ऐसे माँ बापों की बात नहीं कर रहा हूं जो मोही हो, जो रोतड़ू हो, जिनको बस बच्चों की हर बात माननी हो, जो कमजोर मानसिकता के हो, मैं ऐसों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक आइडियल पेरेंट्स जिन माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मैं ऐसे माता पिता की बात कर रहा हूं। मैं सैद्धांतिक माता पिताओं की बात कर रहा हूं, बच्चों के मोह में पड़े माता पिता की बात नहीं कर रहा। एक अच्छा माता पिता अपने बच्चे की कोई भी चीज को इस रूप में नहीं देगा, रीजन चेक करेंगे, पक्की बात है, वैलिडिटी देखेंगे। अगर उनको रीजन वैलिड लगेगा हर पक्ष पे जाकर के, तभी वो उनको वो अमाउंट देंगे जब वो जस्टिफाइड होगा, हाँ या ना। अब मां बाप ने पैसे भी नहीं दिए और कोई जवाब भी नहीं दिया, तो क्या उन्होंने जवाब नहीं दे दिया? दे दिया नहीं दे दिया? कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। अब पता है साइलेंस इज अ नॉन हर्टिंग आंसर। वो उसने आपको हर्ट नहीं किया, लेकिन उसने वो नहीं देख के आपको बता दिया, इसी में तुम्हारा कल्याण है। उसको रीजन वैलिड नहीं लगे, उसने नहीं दिया, और वो नहीं दिया तो आप पाप करने से बच गए। गॉड ने अगर आपकी बात, आपने कुछ पूछा कि मैं ये करूं नहीं करूं, बट कोई आंसर फील नहीं हुआ आपको या कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब साफ है यू डोंट। तो उसका आंसर ना देना भी मेरे लिए क्या है, आंसर है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। परंतु प्रॉब्लम कहां पर है, अब ये प्रॉब्लम कहां फंसती है, प्रॉब्लम यहां फंसती है एक्चुअली हम आदि हो चुके हैं अपने पक्ष का आंसर सुनने के। मेरे मन का सा उत्तर मिलता है तभी मुझे लगता है कि उत्तर आया है। अच्छा एक बार बताओ, ध्यान से सोचो, आप जो सोच रहे हो कि ये उत्तर आना चाहिए, अब वो उत्तर नहीं आ रहा है। अच्छा अब एक और बात, अभी हम जितने भी उत्तर चाहते हैं, ध्यान से सुनना सभी भाई बहन,
हम जितने उत्तर चाहते हैं वे सारे उत्तर ऐसे नहीं होते जिसमें जिंदगी कंफर्टेबल हो जाए, आरामदायक हो जाए, मेहनत मुक्त हो जाए। हाँ या ना? हम सारे लोग ऐसे ही उत्तरों की उम्मीद में रहते हैं। आप में से कोई रहता है मेहनत वाला उत्तर मिले, थोड़ी मेहनत करने वाला? बताओ जी। आप देखना, लोग जा करके ऐसी मेहनत कर लेंगे 21 सोमवार, 16 सोमवार, 21 सीढ़ी, 1000 सीढ़ी, फलाने मंदिर, धमाके, ये कर ले। क्यों? बस उसमें कुछ करना नहीं है ना, कोई और ही करेगा। पंडित जी भी कोई और है, मंत्र भी किसी और, कोई पढ़ने लिखाओ भी किसी और का, धूप बत्ती भाजन, अंदर कुछ नहीं करना मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग विद इन मी। अब प्रॉब्लम कहां पे है समझना ध्यान से। आपके कर्म मैटर की वजह से होते हैं या सोल के वजह से होते हैं? कर्म मैटर के साथ होते हैं बट सोल की वजह से होते हैं। जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था आपको सोल वाले, उसमें याद करिए। मेरा हाथ है, मेरे हाथ में चाकू है, चाकू से मैंने किसी गला काट दिया, क्या चाकू को सजा मिलेगी? गला तो चाकू ने काटा है। बंदूक से गोली मारी, सजा बंदूक को मिलेगी क्या? हाथ को मिलेगी जिस हाथ से गोली मारी, या मुझे मिलेगी? एज अ होल मुझे मिलेगी, बिकॉज मेरे माइंड ने सोचा। ये सब इंस्ट्रूमेंट है, हाथ भी इंस्ट्रूमेंट है, आंख भी इंस्ट्रूमेंट है, कान भी। अब मेरे लिए फोन को इंस्ट्रूमेंट समझना आसान है, मेरे लिए चाकू को इंस्ट्रूमेंट समझना आसान है, सब्जी को इंस्ट्रूमेंट समझना आसान है, बट मेरे लिए प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? बॉडी को इंस्ट्रूमेंट समझने में। आज आपको क्या समझना है भाई, मैटर का कर्म नहीं है, मैटर तो कर्म में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। कर्म करने वाली प्रॉपर्टी सोल की है, जिसमें से माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार की बात है। अंडरस्टैंड करना वेरी ब्यूटीफुली। इसीलिए चीजों का कोई दोष नहीं है, इस बॉडी का कोई दोष नहीं है, बॉडीली चीजों का भी कोई दोष है ही नहीं संसार में, यहां का दोष है ये। इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस को मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो अब यहां पे क्या चीज होगा, तो करेक्ट किसको करना है? सोलो करेक्ट करना है। अब ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात अभी मैं आपके सामने बोलने वाला हूं। क्या इस सोल को करेक्ट करने में मैटर का कोई रोल है? क्या आपका हाथ आपके मन को ठीक कर सकता है? कोई करके दिखाओ, अपने हाथ से मन को ठीक करो। एनीबडी? अपनी अपने अपने इस मुंह से अपने मन को ठीक करके दिखाओ। सेल्फ टॉक में भी आप कोई थॉट पढ़ रहे हो, पढ़ भले मुंह से रहे हो बट थॉट पढ़ रहे हो, वो थॉट यहां जा रहा है। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल्ड बाय द इनविजिबल। विजिबल तो है ही है, लेकिन जो इनविजिबल भी है ना, वो इनविजिबल के कारण से क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड है। थॉट को थॉट ही कंट्रोल कर सकता है, इमोशन को इमोशन ही कंट्रोल कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात आप में से जिसने अंडरस्टैंड कर ली ना, आपको समझ में आ जाएगा अगर गॉड की वर्किंग क्या है, सोल की वर्किंग क्या है, मैटर की वर्किंग क्या है। आज के बाद ध्यान रखना, दुनिया में जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जीज हैं, सुनना ध्यान से स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, सब कॉन्सेंट्रेट होकर के, फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं, दे ओनली कैन ऑर्गेनाइज द मैटर। लिख सकते हो स्टेटमेंट, फिजिकल एनर्जीज ओनली कैन ऑर्गेनाइज द मैटर। केवल मैटर की व्यवस्था बना सकती हैं, ना कि मेटा की, मेटाफिजिक्स की कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकती है। मैटर कांट मैनेज द इमोशंस एंड थॉट्स, बट इमोशंस एंड थॉट कैन मैनेज द मैटर। आपके विचार और भावनाएं पूरे के पूरे मैटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा मैटर मिलकर के भी आपके थॉट और इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई, एक और समझ जाइए अब ध्यान से, कोई भी फिजिकल एनर्जी लिविंग एनर्जीज को मैनेज नहीं कर सकती। जैसे मैंने पीछे बात करी, लिविंग एनर्जी दो तरह की है, एक लिविंग एनर्जी है विदाउट इमोशन, एक लिविंग एनर्जी है विद द इमोशन। विदाउट इमोशन कौन सी है? प्रकृति।
क्योंकि प्रकृति से मेरा शरीर बना है, प्रकृति विदाउट इमोशन लिविंग एनर्जी है, इसलिए प्लांट में लिविंग एनर्जी है, इसलिए बॉडी को भी लिविंग एनर्जी माना जाता है। इसीलिए बॉडी से जब सोल निकल जाती है कुछ समय तक इसके कुछ ऑर्गन्स लिविंग कंडीशंस में होते हैं, इसलिए उन ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए इमीडिएटली किसी दूसरी बॉडी के अंदर तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फंक्शनैलिटी होती है उनके अंदर। और ध्यान समझना, इस बॉडी से जैसे ही सोल निकल जाती है, बहुत ब्यूटीफुल पार्ट टचिंग में आई है अभी, जैसे ही सोल निकल जाती है ये आपकी पूरी प्रकृति जो है ये नॉन इमोशनल लिविंग एनर्जी रह जाती है। माना अब आपका लीवर या आपका ब्रेन लिविंग है, ट्रांसप्लांट हो सकता है लेकिन इमोशंस नहीं है उसके अंदर। अब उसकी इमोशनल का उसके ऊपर प्रभाव या दुष्प्रभाव या सही प्रभाव दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट होने के बाद ही पड़ेगा, जिस बॉडी में लिविंग एनर्जी है। सो इससे बहुत क्लियर बात समझ में आती है, प्रकृति जो है वो नॉन लिविंग एनर्जी है, सॉरी लिविंग एनर्जी है बट विदाउट इमोशन, एंड सोल लिविंग एनर्जी है विद द इमोशंस एंड फीलिंग्स। जी पारुल। ओम शांति भाई जी। तो भाई जी, तो जीव जंतु हैं जितने कीड़े मकोड़े ये भी सारे के सारे ये जो विदाउट इमोशन लिविंग एनर्जी है उसी में काउंट होंगे? नहीं, वो काउंट होंगे इमोशनल एनर्जीज में, क्योंकि उनके इमोशंस होते हैं वो सब, क्योंकि उनके अंदर सोल है, उनकी बॉडी लेफ्ट हो जाती है उनकी भी सोल निकल जाती है, लेकिन जानवर सोल्स अलग हैं और ह्यूमन सोल्स अलग है, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ द होल प्रकृति, उनका ह्यूमन सोल से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात में कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आगे वो चैप्टर आएगा कि कौन क्या बनेगा, ह्यूमन ह्यूमन कैसे बनेगा और जानवर जानवर क्यों बनेगा, ये भी कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है। मैं आपको हर एक सिद्धांत बहुत क्लियर कट फॉर्मेट में बताऊंगा जहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा दुनिया का। ये ज्ञान मैं आपको से बता रहा हूं, इसको लाइटली मत लो। आप लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं पता नहीं, हम भी इसमें बस भावनात्मक ही चल रहे हैं, मानो तो पत्थर में भगवान वाली बात नहीं है, यहां यहां भगवान ने सुनाया ज्ञान है, ये 100% सत्य और प्रमाणित ज्ञान है, 100% सत्य और प्रमाणित, एक एक शब्द प्रमाणित है इसका, एक एक शब्द। मैं तो इतना एक्साइटेड हूं ना इस ज्ञान को लेकर, तो आपको मैं क्या बताऊं, कितना ही इसके अंदर आप समझते चले जाओ, कितना ही पढ़ते चले जाओ, ब्यूटीफुल जर्नी है। आपको काफी कुछ क्लियर हुआ आज के कन्वर्सेशन से? बहुत अच्छा क्लियर हुआ। हा? किसी के मन में कोई सवाल? क्योंकि टाइम हो चुका है, देखो लिख के मत पूछो, जिसे पूछना वैसे पूछ लो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, देवात्माएं और क्या क्या सब लिख रहे हो आप। हाँ हेमा बहन बोलो। जैसे आपने ये बताया ना कि मतलब जो परमात्मा है वो वैसे ही देखते हैं जैसे मतलब है वैसे नहीं जैसे वो देखना चाहते हैं, तो अगर हमें किसी को देखना हो जो हमें दिख रहा है बट तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? हमें सबको वैसा देखना जैसा वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल कैसी है? सोल। हम कौन है? हम भी सोल है। वो भी कौन है? सोल है। ओरिजिनली कैसी आई थी परम धाम से? वो भी प्योर आई थी, मैं भी प्योर आया था। ये तो उसका रोल चल रहा है यहाँ पे। अब बताओ किसी मूवी में अगर अमरीश पुरी को विलेन का रोल मिल गया है, या मतलब जो भी होते हैं विलेन जैसे भी होते हैं उनको विलेन का रोल मिल गया है, तो क्या जब मूवी खत्म हो जाएगी तो क्या वो दोनों एक्टर आपस में नफरत कर रहे होंगे? तो आपस में गले मिल करके आप साथ में खाना भी खा रहे होंगे। ऐसे देखना है मुझे, मुझे हर रोल को एज ए एक्टर देखना है कि आज हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी उसकी परवरिश का परवरिश की वजह से ऐसी है, उसकी स्क्रिप्टिंग वो की गई है, उसके माइंड की स्क्रिप्टिंग हुई है वैसी ही, उसे वैसी ही परवरिश मिली है, वैसी पालना मिली है, तो मुझे उसकी परवरिश और पालना को देख के सोचना कि ये ओरिजिनल ऐसा नहीं है, ओरिजिनल तो बिल्कुल मेरे जैसा है, सातों गुणों का बना हुआ है, आठ शक्तियों का बना हुआ है, इसलिए तो आत्मदृष्टि की बात है। हमें तो सबसे बढ़िया तरीका दिया भगवान ने देखने का, हमें सबको कैसे देखना है? आत्मा देखना है। सबको कैसे देखना है? परमात्मा का बच्चा देखना है। ये ठीक है। दो क्वेश्चन मेरे कल के पेंडिंग थे। बताओ बताओ जल्दी बोलो। एक ये क्वेश्चन था, मतलब आउट ऑफ आई थिंक मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे परमात्मा है वो एक मतलब एक आत्मा है एक टाइप से ना, और हम जो हम भी एक तरह से आत्मा है, एक तरह से नहीं हम आत्मा ही है, आत्मा और परमात्मा दो मेन चीज है, तो ये बॉडी में आने की नीड क्यों थी?
अच्छा आप एक बताओ, कोई भी एनर्जी हो उसका यूटिलाइजेशन ना हो तो उस एनर्जी का रोल क्या है? कोई रोल नहीं है ना, कोई रोल नहीं, बस इसीलिए। अच्छा, इसीलिए पार्ट है, कर्म सिद्धांत है, चीजें हैं, दैट्स व्हाई। इसीलिए आत्मा को जन्म मरण उसकी प्रॉपर्टी है, आत्मा की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है परमात्मा से। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है और परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आने वाले नहीं है। जन्म मरण का चक्र जो है, चक्र जो है, तो इसीलिए इसको आना जरूरी है। एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे कहते ना कि जो चक्र है, जो जितने ये काल है वो 5000 वर्ष के हैं, वो बाद में करेंगे, अभी वो चक्र आया नहीं है। टाइम बात करें, आप कोर्स करने के उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं तो अभी आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये बिल्कुल ये सब क्लियर करूंगा, घबराओ मत। हाँ जी, डॉक्टर श्वेता जी बताइए। God is creator of soul, na, sir? No, God is not a creator of soul. God is a creative creator जो सोल के रोल को चेंज करने में उसको सपोर्ट करता है, उसको पुराने से नया होने में सपोर्ट करता है, उसको उसके वेस्ट विकार जिन्होंने उसको बंधन में बांध दिया उस बंधन से मुक्त करने वाला काम करता है। दैट इज द न्यूनेस। जिन वो ओल्ड सेइंग्स में ओल्ड थॉट प्रोसेस में बंध गया है उससे बाहर निकालने का काम गॉड करता है, बस ये क्रिएटिविटी है उसकी। कौन क्रिएट कर सकता है एनर्जी? कौन क्रिएट करी है एनर्जी? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इवन नॉट गॉड, नो वन। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी, इटरनल चीजें क्रिएट नहीं की जाती है। उनके क्रिएट करने का मतलब होता है उनमें न्यूनेस का होना, उनमें न्यूनेस का होना, जो ओल्ड पैटर्न है। जैसे कहते ना भाई, ये तो बिल्कुल इंसान अब नया हो गया, अब इसका सारा पुरानापन मिट गया, तो ये पुरानापन मिट करके नयापन आने को क्रिएटर कहा जाता है। ये काम क्रिएटिविटी करती है, बाकी ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि हमारे नजर में तो क्रिएटिविटी क्या है? हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़ रखी है वो फिजिकल वर्ल्ड की डेफिनेशंस है। हमारे लिए क्रिएट करने का मतलब है कुछ था नहीं और हमने बना दिया। अब आपको बता दूं, कायदे में तो हमने कुछ भी नहीं बनाया, एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, सब कुछ एग्जिस्ट, सब कुछ एग्जिस्ट। आवाज कैसे क्लॉक क्रैश कर रहा है। सब कुछ क्रिएट था, सब कुछ। मैं पहले भी बता चुका हूं इस बात को कि जब सेब नीचे गिरा और न्यूटन ने देखा, क्या उससे पहले क्या सेब ऊपर जाता था? और व्हील की बात करते हो, वो कहीं ना कहीं सोल के अंदर पहले से ही था, पहले से ही था, चाहे व्हील बनाया, चाहे कपड़े बनाए, कुछ वो पहले से ही था, सब कुछ था। बस वो क्या था, इमेजिन अपने टाइम पे हो रहा था, एनर्जीज अपने टाइम पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती जा रही थी, वो माइंड में आती जा रही थी चीज, और वो बनती जा रही थी अपने आप को लेकर। हाँ, अनम्यूट करो, आप अपने को अनम्यूट करो। सर, बट व्हाई इट इज सेड दैट गॉड इज अवर फादर, गॉड इज अ फादर, व्हाई बिकॉज़ ही इज क्रिएटर। क्योंकि अब हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं? क्या वो फादर है नेशन का? जो किसी की पालना करता है, किसी को कुछ देता है, कुछ बेस्ट करता है, वो पिता होता है, ठीक है? जिसकी वजह से सब कुछ मिलता है उसको पिता कहते हैं, इसलिए वो पिता है। क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको बनाएगा तब वो फादर कहलाएगा। कहते हैं ना महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, नहीं कहते। और कोई चीज? अच्छा, पूछ रहे कि अगर सोल क्रिएट नहीं की जा रही तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन टाइम बाउंड के हिसाब से, वो अभी आप जब अगला चैप्टर समझेंगे कि ये पूरा कल्प किस तरीके से डिजाइन किया गया है। सोल ऑलरेडी स्टॉक में है उसके पास, वो क्रिएट नहीं करता है, जितनी सोल्स है वो फिक्स्ड है।
है ना, वो फिक्स्ड है, वो ऑलरेडी उसके पास एग्जिस्टेड है। वो सोल्स जो होती हैं वो अपने पे टाइम पे आती है, क्योंकि ये टाइम साइकिल है, और टाइम साइकिल में हर युग की पॉपुलेशन अलग अलग है। सत्युग की पॉपुलेशन की स्टार्टिंग 9 लाख से होने वाली है, वो सब अभी आगे चैप्टर्स आएंगे, ये फर्दर क्वेश्चन है, जब आप चैप्टर आगे आगे देखते जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर होने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बट ये समझ लीजिए कि सोल ऑलरेडी स्टॉक में है। अभी तीन वर्ल्ड का जब मैं बताऊंगा आपको, तो तीन वर्ल्ड कौन से होते हैं और उस वर्ल्ड के अंदर कैसे सोल्स का स्टॉक है, और वो कब तक आती रहती है, क्यों आती रहती है, उन सब के रीजंस भी मैं आपको दूंगा डिटेल्स, ठीक है। जिनका भी सवाल है वो क्लियर हुआ उनको, तो सोल बनती नहीं है, सोल ऑलरेडी स्टॉक में है। वो जिसका जैसे मूवी होती है, मूवी में एक्टर होते हैं, पहले से मूवी शूट हो चुकी है, अब मूवी शूट हो चुकी है, लेकिन आप पता चला एक एक्टर बिल्कुल बीच में आके एंट्री हुई गेस्ट अपीयरेंस के फॉर्मेट में, एक्टर तो था पहले से मूवी में भी था, बट हमें नहीं पता सस्पेंस में कोई एक्टर बीच में आया, कहीं कोई बुजुर्ग साहब बीच में आया, क्योंकि वो था पहले से। उसी प्रकार से पूरी पूरी मूवी में जिस जिसको आना है इस रोल में, वो ऑलरेडी स्टॉक में है, वो बनाया नहीं जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता है, इट्स अ प्रिंसिपल, और ये लिविंग एनर्जीज पर भी लागू होगा और नॉन लिविंग एनर्जीज पर भी लागू होगा। बस दोनों में फर्क क्या आने वाला है, जो फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जी मैंने पहले ही बताया, वहां पे अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, और मेटाफिजिक्स में लाइक अट्रैक्ट करेंगे, जो एक जैसे होंगे, बस ये दोनों का बीच का डिफरेंस है। सो आज का मेन लर्निंग क्या है, अंडरस्टैंड द गॉड सोल एंड मैटर, इन तीनों की वर्किंग को अंडरस्टैंड कीजिए। हम लोग ना क्या हो गए हैं, मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, जब भी मैं बोलूंगा मैं तो ये प्रमोद की फोटो सामने आ जाएगी, या कोई उषा है तो उनकी फोटो सामने आ जाएगी, श्वेता है तो श्वेता को अपनी फोटो सामने आ जाएगी, मतलब मैं माना श्वेता, यही प्रॉब्लम है। मैं माना सोल, समझिए इस बात को, मैं माना ये फोटो नहीं है, जब तक ये मैं कहते ये फोटो याद आती रहेगी आप दुखों में रहेंगे। जिस दिन ये मैं कहते ये फोटो गायब हो जाएगी और मेरा कहते ही चीजें गायब हो जाएंगी, जिस दिन मैं कहते ही सोल और मेरा कहते ही सुप्रीम सोल याद आना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैटर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई और डिवाइन हो जाएगा, सारा मैटर आपकी बॉडी भी डिवाइन हो जाएगी, लोगों को आपकी बॉडी से साक्षात्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें काम बनने शुरू हो जाएंगे, इतनी ब्यूटीफुल चीज है। मैं माना आत्मा बस, पर ये आता नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये बहुत मेहनत का सब्जेक्ट है, यही मेहनत मैंने ली, जिसने ये कर लिया आसान है तो सब ठीक है। चलो एक मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे, डीप साइलेंस, जस्ट एक्सपीरियंस, महसूस कर अपने साथ गॉड को देख। अपने आप को जो सोल देख और अपने चारों तरफ मैटर को देख, पूरे मैटर को ध्यान से देख, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, उसकी कोई वर्किंग नहीं है, मैं उसे यूज कर रही हूं, इसे चिंतन में लाए, चाहे वो मेरे कपड़े हैं, घर है, भोजन, मेरा बिस्तर है, जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, मेरे मन में आ रहा है, मैटर है, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता है। मेरा ये हाथ है, मेरे पैर है, इवन दैन मेरा चेहरा भी अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता है, मैटर है, मैं सोल इन सभी को यूज करती हूं। जब मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है तो उसे चार्ज करने के लिए सुप्रीम सोल मेरे साथ है, पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट सी पॉइंट ऑफ लाइट, देखो आत्मा की चार्जिंग होते हुए ज्ञान से, समझ से, सारे मैटर का बेस्ट यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है।
क्योंकि ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल परसेप्शंस आ गए। सारा जीवन सुंदर हो गया है। ओ शांति।